देखिए। हाँ बस या सर सेंटर होता भी सेंटर पकड़ लेंगे। थैंक्स थैंक्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जन्मदिन पर आप लोग आए हैं और मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा और प्यार क्या चाहिए मुझे। सर ये बहुत बड़ा मोमेंट है। आज मेरी फिल्म की रैप पार्टी है, जीनियस फिल्म की। हम लोगों ने 22 मई उत्कर्ष के जन्मदिन के दिन इस फिल्म को मुहूर्त किया था, थोड़ी सी शूटिंग की थी। फिर तकरीबन 5 अक्टूबर से हमने इसकी लगातार 4-6 महीने हम तैयारी करते रहे और 5 अक्टूबर से हमने शूटिंग शुरू की। सारे त्यौहार सारी छुट्टियां हम शूटिंग करते रहे। इस साल बड़ा आनंद आया और 28 फरवरी को हमने ये फिल्म कंप्लीट कर दी और उसके बाद बस आपके सामने है। तो फिल्म की रैप पार्टी है, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और कास्ट हो, क्रू हो, प्रोड्यूसर्स हों, व्होएवर इट इज़ विद अस एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। जी एक ही लाइन हर जगह जीनियस में, एक टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी, दिल की लड़ाई दिमाग से। बस यही कहानी है, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। इतनी सी कहानी है, दिल के लिए कोई लड़ता है दिमाग से। देखिए आपके मन में ये सवाल होगा कि वो मेरा बेटा है। गदर में भी मैंने उसे उसके साथ शूटिंग की थी। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा निष्ठुर किस्म का डायरेक्टर हूँ। जब मैं डायरेक्टर हूँ तो सिर्फ डायरेक्टर हूँ, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। जब मैं एज ए डायरेक्टर डायरेक्टर की चेयर पर बैठा होता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने सीन, अपने करेक्टर, अपने एक्टर और एक्टर जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वही दिखाई देते हैं। गदर में भी ऐसे हुआ, ये छोटा बच्चा था, इसके साथ किस किस तरह के सीन हम लोगों ने शूट नहीं किए। इवन मतलब रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक शूटिंग की। इवन ट्रेन का सीक्वेंस था जिसमें सनी देओल के कंधे पे ये चलती हुई 40 किलोमीटर की ट्रेन पे जा रहा है तो भी मैंने शूट किया। तो थोड़ा सा निष्ठुर था मैं और इस फिल्म में भी थोड़ा सा निष्ठुर रहा। जब वो एक्टर बन एज ए करेक्टर जब वो फिल्म की एक्टिंग करता था तो मेरे लिए सामने सिर्फ एक्टर था जो एक्टिंग कर रहा है, कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरा बेटा है उस क्षण में, उस लम्हे में। और माय एक्सपीरियंस विद हिम इज़ रियली ग्रेट। वो क्या था, बचपन में ही पूत के पांव जैसे पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन में ही उसमें परफॉर्मेंस, जीते का जो किरदार उसने किया उससे समझ आया कि बचपन में ही उसमें एक्टिंग के गुण हैं। फिर वो USA गया, 4 साल फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स करके आया, वहाँ उसने यूनिवर्सिटी टॉप की, आउट ऑफ 4 3.9 ही गॉट। तो मतलब अमेरिका के अंदर जब मैं गया था और जब उसका लास्ट ईयर में मैं गया तो 40 फिल्म्स दिखाई गई, तो उसके प्रोफेसर ने मुझे बोला, जब लास्ट इसकी 40वीं फिल्म थी तो प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि नाउ यू सी द सिनेमा। उसने द पर्पस करके कोई फिल्म बनाई थी, तो मतलब वो तब से ही ऐसा लगता था कि भाई ये लड़के में गुण हैं। और अब मैं, मेरा बेटा है उसकी क्या तारीफ़ करूँ, अपने एक्टर की तारीफ़ कर सकता हूँ, मगर ही हैज़ डन रियली अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की है उसमें। आगे तो ऑडियंस के हाथ में है, क्योंकि अपने मुंह से अपना अच्छा बोलना बहुत ख़राब लगता है। देखिए ऐसा है, ऐसा होता है कि एज ए डायरेक्टर किसी भी एक्टर के साथ, वो हीरो हो, वो हीरोइन हो, वो करेक्टर एक्टर हो, वो दूसरा पैरेलल एक्टर हो, कोई भी हो, हर डायरेक्टर का अपना एक इनपुट होता ही है हर करेक्टर के साथ। तो मेरा भी इनपुट था इसके साथ जो एज ए डायरेक्टर मुझे देना ही होता है। हर एक्टर चाहता है डायरेक्टर का इनपुट मिले, बाकी तो एक्टर को ही करना है।
पर्दे पे सिर्फ जो कुछ डायरेक्टर सोचता है उसको पर्दे पे एक्टर ही सामने ला पाता है और कोई नहीं लाता। लोग बहुत प्रेशर बना देते हैं, लोग कहते हैं भाई इसका बेटा उसका बेटा, लेकिन मैं शायद किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मैं इसलिए प्रेशर में नहीं हूँ कि मैं फिल्म सोच रहा हूँ, मैं बेटा है, कोई भी एक्टर हो सकता था, उत्कर्ष के बजाय कोई भी एक्टर होता, तो जितना एज ए डायरेक्टर मुझ पर प्रेशर होना चाहिए था किसी भी फिल्म पे, उतना ही प्रेशर है। मेरे लिए बहुत स्मूथ था, बल्कि मेरे को एक फ़ायदा इस फिल्म में थोड़ा सा ये रहा क्योंकि वो स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व था बिगनिंग से, और घर में रहते हैं तो सीनों पर डिस्कशन होता रहता था, तो उसको सारे सीन याद थे, सारी बातें याद थीं, जो कुछ डिस्कशन होता था, तो थोड़ा थोड़ा जो भी घर में भी इम्प्रोवाइजेशन होता था वो भी उसके संग संग चल रहा था, तो बल्कि बहुत ईज था, कोई डिफ़िकल्टी हुई नहीं। देखिए ऐसा है, हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं किसी भी हीरो के लिए। एज ए फादर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस जोनर में जाएगा। जोनर पब्लिक बनाती है, हम नहीं बना सकते, जोनर पब्लिक बनाएगी। हमने तो ये देखना है कि भाई आप हर विधा में माहिर हो, आप डांस भी अच्छा करते हो, आप करेक्टर जीने, डांस एक्शन ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं। मैं एक्टर से सब यही उम्मीद करता हूँ कि वो करेक्टर को जीना सीखे, अंदर जीना सीखे। वो करेक्टर को कितना जी लेता है कोई एक्टर, बस उतनी ही बात है। नवाज इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत ही नेचुरल एक्टर है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, सारा संसार जानता है वो किस तरह से कितना स्ट्रगल करके कैसे कैसे रोल करके छोटे छोटे रोल करके कहाँ 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 तक पहुँचे हैं। और मुझे याद है कि जब नवाज़ को मैंने कहानी सुनाई, नवाज़ जब उत्कर्ष से मिला तो उसने एक ही, पता नहीं उसको कैसे समझ आया, उसने नवाज़ ने बोला कि सर ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ, और इस पिक्चर को करने का स्क्रिप्ट तो है ही वजह, लेकिन एक बहुत वजह उत्कर्ष है। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, बोले क्योंकि मुझे इससे बात करके लग रहा है कि ये बहुत नेचुरल एक्टर है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मतलब नवाज़ के संग बहुत ईज था, कोई इतना नहीं था। नवाज़ जैसे एक्टरों के साथ कभी भी डायरेक्टर को तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वो नेचुरल फ्लो में चलते हैं, जो नेचुरल फ्लो में एक्टर चलते हैं वो डायरेक्टर के लिए वरदान होते हैं, जो ड्रामा करते हैं, जो झूठा एक्टिंग करते हैं वो डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है। पता नहीं, मैं इतना सब सोचता नहीं हूँ, लोग मुझे लगता है ये ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं नहीं सोचता, लोग मुझसे ये सवाल ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है लोग ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए, लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए बार बार ये सवाल मुझसे करते हैं। पर मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी कह चुका हूँ, मैं उतना ही कंसर्न हूँ जितना एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए होता है। ठीक है, एज ए पिता मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे के कैरियर का प्रश्न है वो, एज ए पिता कभी कभी मुझे लिए लगता है कि हर पिता को लगता है, संसार के हर पिता को लगता है अपने पुत्र के कैरियर के लिए लगता ही है, लेकिन बार बार मैं यही सोचता हूँ कि भाई बेटे में गुण होगा तो अपने आप अपना कैरियर बनाएगा। फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है इसमें कोई बाप अपने बेटे का कैरियर नहीं बना सकता, अगर ऐसा बना पाते तो बहुत से बाप थे, बहुत से बेटों का कैरियर बना पाते। इश्ता बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और बहुत सिंपल फैमिली की लड़की है, और एक मुझे एक बच्ची जैसी एक लड़की चाहिए थी जो बहुत इनोसेंट हो, वो सारे गुण उसमें हैं। भाई मैंने इतनी, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैंने इसकी कभी इतनी स्टडी की नहीं, मुझे इतना मालूम था
कि भाई मुझे एक फिल्म बनानी है, उसके लिए मुझे एक्टर चाहिए, और मुझे इतना मालूम था कि मेरे बेटे को एक्टर बनना है, उसको मैंने अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। दोनों बातें एक सही समय पर कोइंसाइड हो गई और ईश्वर ने ऐसा रास्ता दिखाया, मुझे मैं फिल्म शुरू कर दी। बहुत से संगी साथी मिल गए बाद में, सोम आर्ट प्रोडक्शन, कमल मुकुट, दीपक मुकुट जी मिल गए, इन्होंने पूरी सपोर्ट कर दी मुझे और कारवां यहाँ तक आ गया। ठीक है, उनका अपना अनुभव रहा होगा, मगर मेरे लिए तो थोड़ा सा स्मूथ सेल रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि लोग उत्कर्ष को, मेरी फिल्म को ऐसे ही प्यार दें जैसे उन्होंने पहले प्यार किया था, और उत्कर्ष को उतना ही प्यार दें जैसे जीते में गदर के दौरान दिया था। ये हम बाद में बात करेंगे ना, अभी सिर्फ जीनियस की बात करें। अभी हम र्यूमर तो बहुत सारे चलते हैं इस दुनिया में, र्यूमर्स का क्या है, लेकिन मैं अभी कोई स्टेटमेंट, आप क्यों मेरे से मुंह से स्टेटमेंट निकालना चाहते हो? मैंने कहा हाँ हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सारी फिल्में होती है जैसे मदर इंडिया, मुगले आज़म, शोले, गदर, इनका सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल है। सीक्वल हिट फिल्मों का बनता है, लेकिन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स का सीक्वल नहीं बन सकता, बहुत डिफिकल्ट है। शोले का कैसे सीक्वल बनेगा, गदर का कैसे बने? जिस दिन गदर जैसी कहानी मिल गई ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन सिर्फ गदर एक ऐसी पिक्चर है जब आज से 100 साल के बाद 2100 में जब पहली 2000 की फिल्म का जिक्र होगा तो गदर का जिक्र होगा कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। ऐसी फिल्म का सीक्वल कैसे बनेगा? अनटिल अनलेस कि मुझे गदर जैसी कहानी नहीं मिलेगी, मैं सीक्वल नहीं बनाऊंगा। थैंक यू। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले।